उधर यूपी में गठबंधन का फिर चार के चक्कर में फंसा हुआ है। अजीत सिंह की पार्टी चार सीट चाह रही है, लेकिन अखिलेश दो सीट देने पर तैयार है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि दो सीट तो आरएलडी को मिलेगी ही, लेकिन पार्टी के दो नेता समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या ये फॉर्मूला चौधरी साहब को पसंद आ रहा है? मुझे विश्वास है कि प्रभावी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी नीतियों के विरोध पूरे देश में खड़ा होगा। यूपी में हमने अच्छी शुरुआत की। सर, सीटों का मसला ही नहीं है, सवाल विश्वास का है, सवाल रिश्ते का है और दोनों बहुत मजबूत। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के बाद आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीटों के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन दावा अच्छी बातचीत का किया। वैसे अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी शुरुआत में 6 लोकसभा सीटों का दावा कर रही थी। एसपी बीएसपी ने सिर्फ 2 सीटें ही छोड़ी। माना जा रहा है कि 4 भी मिली तो अजीत सिंह मान जाएंगे, लेकिन लक्षण 4 मिलने के भी नहीं दिख रहे। यही वजह है कि अखिलेश से मिलने के बाद भी जयंत ने बिना कार से उतरे बातें तो बड़ी बड़ी की, लेकिन चेहरे पर खुशी गायब दिखी। डर लग रहा है आपको देखिए इतनी संख्या में? कोई कुछ नहीं करेगा, आ जाइए सर, बाहर आ जाइए सर, बाहर आ जाइए। बोलिए 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 सर। अखिलेश जी से बहुत अच्छी बातचीत हुई और जो इससे पूर्व हमने बैठ के बातचीत करी, उन बातों को हमने आगे और बढ़ाया। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव चाहते हैं कि अजीत सिंह मुजफ्फरनगर और जयंत बागपत से चुनाव लड़ें, और बाकी जिनको भी अजीत सिंह लड़ाना चाहते हैं वो एक दो लोग समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ लें। ऐसा प्रयोग कैराना के लोकसभा उपचुनाव में हो चुका है। तब एसपी की तबस्सुम हसन आरएलडी के निशान पर लड़ी थी और जीती भी थी। असल में पश्चिमी यूपी में जीत का समीकरण जाट वोटरों के साथ आने से बनता है। जाट प्लस मुस्लिम प्लस जाटव और जीत। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अजीत सिंह के जाट और मायावती की जाटव जाति की इस इलाके में बनती नहीं है। 2014 में जाट समुदाय ने बीजेपी को वोट किया था। अजीत सिंह डील करने के अच्छे मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं। अगर यहाँ बात नहीं बनी तो वो पाला भी बदल सकते हैं। दिल मिले ना मिले, मोदी को हराने के लिए हाथ एक दूसरे से मिलाए जा रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।